जहाँ मैं जा रही हूँ चाहे मैया जा रहा है। दृष्टि ने मुझे 2-3 दिन पहले बोला तो हम तीनों जा रहे हैं शॉपिंग पे। हैप्पी बर्थडे। आर यू मैड? दृष्टि हमारा हाइट कुछ ज्यादा डिफरेंस है। आई कैन अब यार मैं इतनी काली क्योंकि तू है। So hey guys, welcome back to my channel. Those all are new. Hi, my name is Ibra. और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। सो एज यू हैव रेड बाय द टाइटल, आज है मेरी बर्थडे ईव। हाँ, मुझे ना पहले से ही फीलिंग आ रही है कि व्लॉग बहुत लेट जाने वाला है, तो आज है मेरी बर्थडे ईव। जैसे कि मैंने सोच रखा है, मतलब जैसे कि मुझे पता है कि मेरे जो दोस्त लोग हैं ना वो थोड़ा कमीनापन या फिर निकम्मापना कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग बारी बारी सब लोगों ने मुझसे ये बोल दिया कि वो नहीं आ पाएंगे। तो मैंने सबको नॉर्मली ओके बोल दिया कि ठीक है, बाकी लोग का मैं बाद में बताऊंगी। मुझे सुबह सुबह सोनिका ने बोला, सोनिका जो मेरी दोस्त है, आपको बाकी के व्लॉग्स में भी दिख गया होगा, वो मेरे साथ होती है मोस्टली, मतलब हम लोग साथ ही वो रहते हैं, मतलब साथ ही आते जाते हैं। तो फिर उसने मुझे बोला कि यार इब्रा ऑफिस जाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा कस्टमर आएगा, ये वो वगैरह। मैंने कहा ठीक है, जाओ बिल्कुल जाओ, मेरा बर्थडे तो कुछ नहीं है ना, जाओ। तो मैंने नॉर्मली बोल दिया जाओ, क्योंकि मुझे अंदर से डीप डाउन फीलिंग है कि वो झूठ बोल रही है, मुझे सरप्राइज़ देना चाहती है। ये सबके सरप्राइज़ चौपट होने वाले हैं, क्योंकि मुझे सब पता है, मैं पीटी ऊषा हूँ, मुझे सब पता रहता है तो मुझे सब पता है। तो ये मैंने इंट्रो, इसलिए मैं इंट्रो बहुत जल्दी जल्दी शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी प्रियांश ने बोला है, मेरे दोस्त ने बोला है कि हम लोग चल रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, मैं और चैम को वो लेके आ रहे हैं, देखते हैं हमें वहाँ पे और कौन ज्वाइन करेगा नीचे, बाकी देखते हैं। तो मैंने सोचा मैं जल्दी इंट्रो कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना लंबा बोल नहीं पाऊँगी। बाकी का मैं वापस आके बोलूँगी कि मैं वहाँ की भी थोड़ी बहुत क्लिप्स ऐड करूँगी अगर मुझे टाइम मिल पाए तो। मतलब ऐसा होता है जब मैं दोस्तों से मिलती हूँ ना, मैं बिल्कुल मगन हो जाती हूँ, वो लोग भी मस्ती कर रहे होते हैं, मैं भी मस्ती कर रही हूँ, मतलब हम लोग ज़्यादा फिर मेमोरीज बनाते हैं, रिकॉर्ड बहुत कम कर पाते हैं। तो ओके, देखते हैं जैसा भी होता है, मैं अपडेट करती रहूँगी इस व्लॉग में। ओके गाइस, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खतरों की खिलाड़ी बनके यहाँ पे शूट कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ मैंने अपना कैमरा सेटअप किया, मैंने अपना फ़ोन सेटअप किया, उसके जस्ट पीछे विंडो है जो खुली, अरे चैम मान जाओ ये हिला रहे हैं मेरे ट्राइपॉड को, तो वो जो विंडो है वो खुली हुई है, तो मेरा फ़ोन कभी भी नीचे जा सकता है, हाँ ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरा फ़ोन गिर सकता है, फिर भी मैं इतना रिस्क लेके शूट कर रही हूँ। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मतलब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तब भी यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। कितने लोग ऐसे हैं पूरी वीडियो देख के जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो यार, क्या जा रहा है। तो मतलब एक तो मैं 19 मई को पैदा हुई हूँ, पीछे की बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, चैम खेल रहा है। तो एक तो मैं 19 मई को पैदा हुई हूँ, मतलब इतनी सड़ी गर्मी में, और आज मौसम फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी एकदम बादल हो जा रहे हैं तो लाइट बिल्कुल बेकार, मैं रिंग लाइट लगाना नहीं चाहती वरना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, मुझे जल्दी जल्दी प्रोडक्ट शेयर करना है। तो ये है वो प्रोडक्ट, ये एक्चुअल में फेशियल मिस्ट स्प्रे है न्यूड की तरफ से, NEUD, तो मैं आई होप मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो इसमें एलोवेरा और कुकम्बर से ये बना हुआ है, सो ये इतना ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपकी स्किन के लिए, मतलब अगर आप मेकअप अप्लाई करो या ना करो उससे मतलब नहीं है, मतलब अगर आप सिर्फ यही अप्लाई कर दोगे ना स्किन बहुत अच्छी हो जाने वाली। कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है जिसके साथ आपको एक बुकलेट भी मिली है, आप पढ़ सकते हो इसमें पूरा कैसे गिर गया। ये आता है कुछ ऐसी पैकेजिंग में, मुझे पैकेजिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था रोज वाटर इतने अच्छे से पैक होके आ सकता है। तो ये है इसकी बॉटल, ये 100 ml की है, और अभी मैंने नॉर्मल मेकअप कर रखा है, इसको आप एज अ मेकअप फिक्सर भी इस्तेमाल कर सकते हो, एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हो, एज अ रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप मेकअप अप्लाई नहीं करो सिर्फ आप ये अप्लाई करके बाहर जा सकते हो, एंड फॉर द स्किन केयर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो जस्ट कुछ नहीं करना है आपको, इससे अच्छे से शेक करना है, इसको अच्छे से शेक करके और अपने फेस पे थोड़ा सा दूर रख के, एंड जस्ट स्प्रे इट ऑल ओवर योर फेस, बस इसको बस थोड़ा सा सूखने का वेट करो। तो मतलब होता है ना, मेरा ट्राइपॉड चैम भैया हिला के नीचे ही फेंकेगा, इसका रिजल्ट आपको ऑन द स्पॉट दिख भी रहा है, बाहर बहुत हवा चल रही है अच्छी वाली, अभी फिर से धूप आ जाएगी पता है मुझे, तो ये रिजल्ट आपको दिख भी रहेगी कितना ज्यादा अच्छा ड्यूई फिनिश दे रहा है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत 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 अच्छा लगा, तो मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, आप जाके इसको जरूर 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 परचेज करो। आई थिंक ये
499 का है, मे बी इस पे डिस्काउंट भी चल रहा हो तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, प्लीज चेकआउट कर लेना। गाइज जैसे कि मुझे गट फीलिंग आ रही थी, ये सोने का आ चुकी है, मैंने कैमरा में से ऑलरेडी देख लिया है और ये शैम्पू उसके लिए परेशान हो रहा है, पागल हो रहा है ये उससे मिलने के लिए। शैम को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि एसी बिल्कुल मैंने शैम के मुंह पर मार दिया है ताकि इसको थोड़ा ठीक लगे, और पूरी मतलब आगे वाली सीट तो छोड़ो पीछे वाली सीट भी इसने पूरी कवर कर रखी है, मुझे जगह भी नहीं मिल रही बैठने की। देखो शैम ने इग्नोर कर दिया है। एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ, इतनी बड़ी सीट है लेकिन जहाँ मैं जा रही हूँ चाहे वहीं आ जा रहा है, पूरी स्पेस है इस पे, देखो ये पूरी स्पेस है पर इसको वहीं घुसना है, जहाँ मैं जाऊँगी वहीं वो शिफ्ट होता जाएगा, मैं यहाँ जाऊँगी तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पूरे बस घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है। तो मैं इसकी ट्रीट हमेशा साथ में लेके जाती हूँ, तो मैंने इसकी 2 या 3 चू स्टिक्स रखी थी और मैंने इसकी एक कैल्शियम बोर्ड रखी थी ताकि ये लगा रहे। गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस घर और मैंने चेंज भी कर लिया, मैं नाइट सूट में आ चुकी हूँ क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि ना मतलब जितने लोग मुझे देखते हैं उन लोग को पता है कि मुझे ना इतना अनकंफर्टेबल लगता है अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं बस मेरा मन करता है जल्दी से मैं घर पहुँचूँ और मैं अपना चेंज कर लूँ। तो सोनिका ऑलरेडी आ चुकी है घर पे, तो मैं ये चीज़ मैं इंट्रो में नहीं बोल पाई हूँ तो मैं अब शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे दोस्त लोग हैं ना उन लोग ने सबने मुझे पागल बनाया, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि मैं पागल बन चुकी हूँ, बट नो मुझे भी इबरा कहते हैं। तो इसने सोनिका ने मुझे सुबह कॉल करके बोला कि यार मेरा ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो इसलिए ना मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं ना अगले दिन आ पाऊँगी, मतलब आज 18 है कल 19 है, कल मेरा बर्थडे है। डेट बता दे, चैम को देखियो क्या कर रहा है, चैम को देख चैम कम। तो फिर ना मतलब मैं उस टाइम पे मैंने जानबूझ के इसको गुस्सा दिखाया बट मैं ऑलरेडी जानती थी कि ये आएगी, इतने में ही इसकी एंट्री हो गई जिसकी क्लिप मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, मैं उस टाइम इतना नहीं बोल पाई क्योंकि ना मुझे जाना था नीचे जल्दी जल्दी, तो और वहाँ पे भी मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ मस्ती करते रहे हैं, तो हम बस मोमेंट्स इंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे। और एक और चीज़, दृष्टि जो मेरी फ्रेंड है जो कानपुर रहती है, तो पहले ही डिसाइडेड था कि दृष्टि मेरे बर्थडे पर यहाँ आएगी और वो आराम से 3-4 दिन रुक के जाएगी और वो एक दिन पहले आ जाएगी, बट दृष्टि ने मुझे 2-3 दिन पहले बोला कि इब्रा मैं नहीं आ पाऊँगी, कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है तो प्लीज़ तुम बुरा मत मानना ये वो, मतलब वो मुझे ऐसे बोल रही थी कि ना बुरा मत फील करना बुरा मत मानना, मैंने बस ऐसी थोड़ा सा ऐसा नाराज़गी शो की कि ठीक है इट्स ओके कोई बात नहीं अगली बार मिलेंगे, तो मैंने उसको ऐसा शो किया, बट डीप डाउन मुझे पता था कि वो आ रही है, अभी भी कन्फर्म नहीं हुआ है कि वो आ रही है कि नहीं आ रही है, बट मुझे अंदर से गट फीलिंग है कि वो आ रही है, तो देखते हैं ये चीज़ सच रहती है कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे सरप्राइज़ देने वाली है। फिर नेक्स्ट प्रियांश जो मेरा फ्रेंड है, तो वो हर साल मतलब हाँ मेरे बर्थडे पे कुछ ना कुछ सरप्राइज रखता है, इस बार उसने मुझे बोला कि ना सुन ऐसे ऐसे काम है बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो इसलिए हम 19 की जगह ना 20 को केक कट कर लेंगे और केक कटिंग ही कर लेंगे और कुछ नहीं ये वो वगैरह। फिर उसके 2 दिन बाद वो बोलता है कि नहीं हम 20 को नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे अर्जेंट है, मुझे जाना है, मैं वापस नहीं आ पाऊँगा आगरा, तो हम लोग करेंगे 18 को। तो अभी जो इससे पहले आपने क्लिप देखी है जो हम कार से गए थे, तो वो प्रियांश ने ये बोला था कि चल मैं तुझे और चैम को घुमा लाता हूँ तो ये तेरा बर्थडे का हो जाएगा, मतलब नॉर्मल लॉन्ग ड्राइव तो ये बर्थडे का हो जाएगा। तो आई वाज लाइक ओके इट्स ओके नहीं करो, बट स्टिल मुझे फिर भी ये लग रहा है कि वो यहीं है आगरा में ही रहेगा वो, और मुझे ये पता नहीं ये सच होगा कि नहीं, ये मुझे मैंने बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि मे बी शायद वो रात में 12 बजे भी आ सकता है और वो नेक्स्ट डे मतलब कल भी वो यहीं होगा, वो बस मुझे पागल बना रहा है आई थिंक, तो देखते हैं कैसा जाता है सब कुछ। बट और देव जो मेरा राखी ब्रदर है, उसने बोला कि मैं ना जयपुर में हूँ और लिटरली उसकी सारी स्टोरीज़ भी जयपुर की ही हैं, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि शायद वो जयपुर से आ जाए, बट मुझे उसका बिल्कुल भी पक्का नहीं है, सो है वो आगे ब्लॉग में आपको पता लगेगा कि होना ही आता है कि नहीं। और एक है काजल जो कसौली गई हुई है, बट उसका मुझे सिर्फ 1% लग रहा है कि वो आएगी कि नहीं आएगी। तो गाइज अभी मैंने इससे पहले वाली क्लिप में कहा था ना कि दृष्टि आ सकती है, ये देखो ये भी अपना ब्लॉग बना रही है तो जरूर देख रहा है इसके ब्लॉग में, आ रही है आ रही है आ रही है। मुझे पता है, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू इन एडवांस,
बेस्टीज है ये ना मुझे नो हमने लॉन्ग डिस्टेंस बेस्टीज है BFF और पीछे सोनिका ही शूट कर रही है सोनिका अपना मुंह बना रही है सड़े सड़े लॉन्ग डिस्टेंस बेस्टी बेस्टी ज्यादा खुश हुई अब फाइनली मुझे बर्थडे फील हो रहा है अभी एक की कमी और है ना काजल 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 की काजल सूरज बिल्कुल मेरे मुंह पे आ रहा है ये फुटेज लेने बार बार आ जाती है गाइस दृष्टि तुम भी आ जाओ तो अगर पीछे से कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना जो भी नॉइज़ आ रही है क्योंकि वहाँ बिल्डिंग बन रही है कंस्ट्रक्शन हो रहा है मेरी ही सोसाइटी में तो बहुत ही ज़्यादा हेडेक है तो हम तीनों जा रहे हैं शॉपिंग पे मतलब दृष्टि आगरा है और हम शॉपिंग ना जाएं हाँ सोनिका भी मेरे घर जाए आए और शॉपिंग ना जाएं पिछले ब्लॉग्स भी हैं सोनिका के साथ तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे क्योंकि हमें किसी कुछ काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है ये सोनिका ना पासिंग शॉट देती रहती है तो हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए मार्केट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं और दृष्टि का चैनल है दृष्टि यादव के नाम से प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लेना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इंस्टाग्राम आईडी बता दें नहीं मैं नहीं डालूंगी इसका तो मैं इसकी भी इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगी प्लीज़ आप इसको भी फॉलो कर लेना सोनिका खन्ना के नाम से ले जाइए और मिलते हैं बाजार हम लोग आ चुके हैं वापस और लाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है पता नहीं कैसा हो रहा है मेरा फेस और फिर से मैं पॉल्यूशन में गई और पिंपल्स हो चुके हैं और हम सब लोग आ चुके हैं अपने नाइट सूट में मतलब हम लोग जो शॉपिंग करने गए थे वो पूरी हो चुकी है और अभी मेरे बर्थडे में आई थिंक 2 घंटे हैं 1.5 घंटे हैं वैसे अब इतनी एक्साइटमेंट ज़्यादा हो नहीं रही है बट स्टिल मेरे फ्रेंड्स लोग ज़्यादा हाइप अप है तो इसलिए देखते हैं क्या होता है तो जो हम शॉपिंग करने गए थे उससे दृष्टि आओ पीछे से पास आउट मत करो तो जो हम शॉपिंग करने गए थे वो हमें एग्जैक्टली सेम वैसा मिल गया पहले हमें मिल नहीं रहा था हम लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए थे लेकिन फाइनली हमें बहुत अच्छी चीज मिल गई उसके बाद हमने जूस वगैरह पिया और हम जल्दी जल्दी घर आए क्योंकि हम बहुत ज्यादा रश में थे इसलिए मैं वहां ज्यादा ले भी नहीं रही थी क्योंकि मतलब भीड़ बहुत थी मुझे डर था कोई मेरा फोन छीन के ना ले जाए इसलिए इन लोगों को भी डर था ये क्या कर रही हो तुम अपने वालों में कुछ बोलो सोया तुम्हारी बहन का बर्थडे है हैप्पी बर्थडे आर यू मैड तो अब हमने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं नीचे चैम को लेके क्योंकि सुबह से ना बस भाग दौड़ हो रही है मेरा चंपा घूम नहीं पा रहा है तो इसलिए हम चैम को लेके जा रहे हैं और ये दृष्टि हमारा हाइट कुछ ज्यादा डिफरेंस है आई कैन डू लाइक दिस तो हाँ दृष्टि तुम्हारी जो ड्रेस हमने ली कैसी लगी बहुत प्यारी मतलब मजा आ गया ना कल पहनोगी बिल्कुल मस्त बन के ये मेरी रखी थी ना प्लीज क्यों निकाली तुमने वैसे दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं कोल्ड ड्रिंक और लेना भूल गए मतलब इतनी कोल्ड ड्रिंक हमने ली थी वो हम सब पी गए खुली है मैं भी आई इतना अनहेल्दी खुली है तो चलो चलते हैं ओके गाइस मिलते हैं नीचे हम जा रहे हैं नीचे यो गाइस ये मेरा वो खेलना नहीं आ रहा बेढाल होके क्यों बैठे बेहाल बेढाल क्या कहते हैं अरे देखो भाई हाय गाइस पंखा चला दो यार एसी चल रहा है ना कूलिंग इधर उधर जाएगी तो चुप रहे यार मुझे व्लॉग बना यार मैं इतनी काली हो गई व्लॉग क्योंकि तू है तो गाइस हम लोग नीचे से ऊपर आ चुके हैं हम लोग बहुत थक चुके हैं और ये मिलो चंपो चूतो 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 और गाइस मैं बैडमिंटन खेल कर आई हूं नीचे और ये बैडमिंटन खेल के आई है खेल देख ही ली होगी और मतलब मेरे साथ तो खेल नहीं पा रही थी फिर ये औरों के साथ खेली पूरा टाइम बैडमिंटन और हमें लग रही है भूख चैम मुझे बोल नहीं दे रहा हमें लग रही है भूख तो अभी हम कुछ ऑर्डर करने वाले हैं तो देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं क्या खाओगे तुम लोग मैं खिलाऊंगी आपको पिज्जा क्योंकि हेल्दी खाना चाहिए मैं ज्यादा अनहेल्दी नहीं सुपर हेल्दी हेल्दी खाना चाहिए अनहेल्दी मैं नहीं खाना चाहती ना मैं खिलाना चाहती इसलिए तुम मिलते हैं अभी डिसाइड करने के बाद बाय बाय।